हेलो दोस्तों, मैं हूं ताहिर। मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि हमारी एक्टिवा होती है या हीरो होंडा होती है या स्कूटी होती है, जो भी टू व्हीलर व्हीकल होते हैं, तो हमारी क्या है कि दोस्तों बैटरी ख़राब हो जाती है, तो अब हम किक लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं। तो अब लेडीज़ अगर होती है, लेडीज़ हमारे घर में, और वो अगर ये टू व्हीलर चलाती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जैसे हमारी बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो अब हम ये सोचते हैं कि नई बैटरी लाएं एक्टिवा के लिए। तो आप नई बैटरी लाएं तो वो कितने की आती है, कौन सी कंपनी की लाएंगे और उसकी प्राइस क्या होगी, तो अब ये हमको मालूम नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें जानेंगे कि एक्टिवा की बैटरी क्या प्राइस की आती है और कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए हमको, कितने साल की उसकी गारंटी आती है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ऑटो इलेक्ट्रिक डॉट एंड मैकेनिकल। तो इस चैनल पे मैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक या यूट्यूब के बारे में कई नई नई तरीके की जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ। तो इस जानकारियों से आपको फ़ायदा होगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे वीडियो को वॉच करें। तो दोस्तों, अगर आपके भी एक्टिवा में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है, या वायरिंग की दिक्कत है या क्या है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों मेरे इस आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो में उस प्रकार की सभी जानकारियां ले सकते हैं। अगर चार्जिंग संबंधी है या बैटरी संबंधी है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच करके और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम अपनी नई बैटरी की अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों, कि उसमें क्या क्या आता है और वो कैसी दिखती है और क्या प्राइस है, उसका बिल भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को और लेते हैं जानकारी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं लेकर आया हूँ टाटा ग्रीन बैटरीज। तो ये दोस्तों, ये 5, जैसे कि आप ये देख रहे हैं YT5A, ये इसके नंबर है, टाइप है दोस्तों। जो ये एक्टिवा जो ओल्ड मॉडल होती है दोस्तों, एक्टिवा ओल्ड मॉडल में ये 5YT5A मॉडल की इसमें बैटरी लगती है। ये थोड़ी दोस्तों बड़ी साइज की होती है, और ये जो अभी जो नई एक्टिवा आती है दोस्तों, तो उसमें 4L बैटरी लगती है, और ये 5L बैटरी है। तो ये देखें दोस्तों कि ये जो होती है ये ओल्ड मॉडल में लगती है, और अगर यदि आपके नए मॉडल की गाड़ी है, अभी 2021 या 2020 या 15 से अगर ऐसी गाड़ी है आपकी 4G 3G, तो उसमें 4L बैटरी अभी कंपनी दे रही है दोस्तों। तो मेरे तो एक्टिवा में दोस्तों ओल्ड मॉडल एक्टिवा है, इसलिए मैं ये 5L वाली बैटरी लेके आया हूँ। तो ये दोस्तों टाटा ग्रीन की बैटरी मैं लेके आया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों इसको ओपन करके कि इस बॉक्स में अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या आता है इसके साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ से इसका ये कवर खोलते हैं दोस्तों, और ये हम यहाँ से इस बैटरी को बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये दिखने में लुकिंग वाइज इस टाइप की होती है दोस्तों। ये देखिए आप, ये इसके कवर को हम साइड में कर देते हैं दोस्तों, और ये देखिए, ये इस प्रकार की ये टाटा ग्रीन की बैटरी आती है दोस्तों। ये देखिए, इस पे भी YT5A लिखा हुआ है। वारंटी जो है दोस्तों, तो इसकी वारंटी आप देखेंगे यहाँ पर, वारंटी इन 48 मंथ्स का मोनोग्राम लगा रखा है इस बैटरी पे दोस्तों, कि 48 मंथ वारंटी। तो और ये वर्ल्ड्स नंबर वन इसमें मोनोग्राम दे रखा है कि ये वर्ल्ड की नंबर वन बैटरी है। तो दोस्तों वैसे अब ये मैं इसको लगाकर
इसको ट्राई करूँगा कि ये बैटरी वास्तविक नंबर वन है या नहीं है, ये तो इसकी सर्विस देने के बाद ही मुझको पता चलेगा। तो वैसे दोस्तों इसमें कई प्रकार की कई कंपनियों की बैटरी आती है, जैसे एक्साइड की बैटरी हुई, या फिर एमरॉन की बैटरी हुई, या फिर ये टाटा ग्रीन की आप देख रहे हैं, और कई जैसे अच्छी होती है ओरिजिनल बैटरी होती है। एमरॉन की बैटरी भी बहुत अच्छी होती है, एक्साइड की बैटरी भी बहुत अच्छी होती है, एमको की भी आती है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी कंपनियों की बैटरी इस ये कंपनी बनाती है बैटरीज़, तो आप जैसी चाहें वैसी ले लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी में 2 साल की पूरी गारंटी आती है दोस्तों। तो 2 साल की जब ये गारंटी फुल रिप्लेसमेंट ये बैटरी जब बेचते हैं तो हमको यही कहते हैं दोस्तों के तो 2 साल की हमको ये दोस्तों गारंटी फुल गारंटी ये बोलते हैं दोस्तों कि 2 साल की इसकी फुल रिप्लेसमेंट गारंटी है। अगर कई भी किसी भी प्रकार की कोई आपके दिक्कत होती है बैटरी में, या कोई कमी होती है, या ख़राब हो जाती है, तो ये बैटरी बेचने वाले हमको यही कहते हैं दोस्तों कि भाई 2 साल में आपकी ये बैटरी फुल रिप्लेसमेंट टेबल रिप्लेसमेंट है, यानी कि हमें कुछ भी रिपेयरिंग की या कुछ भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैटरी यदि ख़राब होती है तो इसको हम देके और नई बैटरी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें लिखने की ज़रूरत है कि ये जो दोस्तों अगर हमारी बैटरी में कोई दिक्कत आती है और ख़राब हो जाती है मान लो 2 साल के अंदर, तो दोस्तों इसका जो ये गारंटी कार्ड होता है दोस्तों, ये देखिए आप, ये इस टाइप का इसका गारंटी कार्ड आता है इस बैटरी का। तो इस गारंटी कार्ड को संभालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बिल की कोई अहमियत नहीं होती है इस चीज़ को चेंज कराने में, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई गारंटी कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई दिक्कत आती है बैटरी में तो गारंटी कार्ड हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि गारंटी कार्ड से ही आपकी ये बैटरी चेंज होगी और रिप्लेस होगी। अगर गारंटी कार्ड खो गया और सिर्फ आपके पास ये इसका बिल है तो ये इस बिल से इसको चेंज नहीं करते हैं दोस्तों। ये सिर्फ ये गारंटी कार्ड जो होता है दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इसी से बैटरी हमारी चेंज होती है। तो ये देखिए दोस्तों इसका ये गारंटी कार्ड है इस बैटरी का। तो अब ये देखते हैं दोस्तों, देखो ये बैटरी हमारे को कितने में मिली है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये मैंने परचेज की है 21/8/2021 को। तो 21/8/2021 को मैं ये ख़रीद कर लाया हूँ दोस्तों, और यहाँ पर देखें दोस्तों 781 रुपये 781 रुपीज़ और 25 पैसे यहाँ पर इन्होंने इसकी कॉस्ट लिखी है बिल में दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे ये GST इन्होंने करीब 109 रुपीज़ यहाँ और पॉइंट से 37 पैसे ये यहाँ पर इन्होंने जोड़े हैं। तो ये टोटल इन्होंने हमारे को पैसे जोड़े हैं 1000 रुपीज़। तो ये देखिए दोस्तों ये जो बैटरी है एक्टिवा की 5L बैटरी है, तो ये हमको 1000 रुपये में हमको मिली है दोस्तों, और 2 साल की इसकी गारंटी है, प्लस 2 साल बाद अगर ये कुछ ख़राब हो जाती है तो कुछ पैसा ये इनकुल करके और हमें 2 साल बाद ये कुछ पैसा जोड़ते हैं कुछ करते हैं इनका जो भी सिस्टम है, तो उस प्रकार से ये हमें मतलब 48 महीने तक ऐसा ये हमें रिप्लेसमेंट का ऐड देते हैं। लेकिन ये 48 महीने ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ 2 साल की पूरी गारंटी होती है रिप्लेसमेंट की। उसके बाद 2 साल जो होते हैं वो इनकी पेमेंट कंडीशन के ऊपर कि भाई कितने 2 साल के ऊपर कितनी चली है, तो उस प्रकार से ये हमारा पेमेंट ले लेते हैं और उस प्रकार से हमें वापस ये बैटरी नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 1000 रुपये हमारे को बिल दिया। अब इसमें एक समझने वाली बात ये है दोस्तों कि 1000 रुपये तो इन्होंने मुझे बिल दे दिया, तो अब ये मतलब ये बैटरी हुई 1000 रुपये की।
अब ये दोस्तों बेचे जब जब बेचते हैं तो ये क्या करते हैं कि इसके एवज में हमारे से पुरानी बैटरी ले लेते हैं, यानी कि ओल्ड बैटरी लेकर, और ये 1000 रुपये हमारे को ये बिल दिया। तो मतलब मैंने जो जब दी ये बैटरी ख़रीदने में गया हूँ दोस्तों, तब मैंने ऐसी 2 बैटरी उनको पुरानी दी थी इन बैटरी वालों को। तो इन्होंने 2 बैटरी लेकर और मुझको ये 1 बैटरी दी और 1000 रुपये का मेरे को बिल दिया। यानी कि मेरे, मान लो कि भैया पुरानी बैटरी के अगर 100 रुपये 1 बैटरी के आते हैं तो 200 रुपये तो मेरे वो लेस हो चुके और 1000 रुपये इस बैटरी के हो चुके। यानी कि ये बैटरी दोस्तों, यानी कि मुझको पड़ी है करीब 1200 रुपये की ये बैटरी मेरे होती है, लेकिन बिल इन्होंने मुझको 1000 रुपये का दिया और हमारी 2 बैटरी उन्होंने पुरानी ले ली। तो अब इसमें तो कुछ ओल्ड बैटरी का हिसाब कुछ लिखा हुआ नहीं है बिल में, और उन्होंने हमारे से 2 बैटरी भी पुरानी ली है। तो हम यही मानते हैं सब दोस्तों के 200 रुपये हमारे वो भी लगे हैं, तो 1200 रुपये की हमारी ये बैटरी हो गई है दोस्तों। तो आप ये जान सकते हैं दोस्तों कि हमारी ये बैटरी कितने की आती है, और अगर आपको भी चाहिए तो ये वीडियो देखकर आप नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों कि तकरीबन हमको ये बैटरी इतने की पड़ती है। और सभी बैटरियां शायद एक्साइट की हुई या एमरॉन की हुई या एमको की हुई या एसएफ की हुई, जितनी भी बैटरियां आती है दोस्तों तकरीबन सभी की लगभग यही रेट होती है। एक्टिवा या आप ये समझें कि 2-व्हीलर की बैटरी जो सेल्फ स्टार्ट होती है उनकी तकरीबन रेट यही होती है, और कुछ में 100-200 का फ़र्क हो सकता है कंपनी वाइज, कि किसी में 100 रुपये ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में 100 रुपये कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क कहीं नहीं आ सकता है दोस्तों। तो ये देखिए, आपने इस प्रकार से ये देखा दोस्तों कि मैं बैट, और इसमें अब क्या आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ इसमें ये मैंने आपके सामने अनबॉक्स की है, तो इसमें सिर्फ ये एक बिल आया है दोस्तों, ये बैटरी है, ये बैटरी, और इसके साथ ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 2 इसके नट बोल्ट होते हैं दोस्तों। ये बैटरी वायर लगाने के लिए हमको कंपनी ये नए स्क्रू देती है दोस्तों इस बैटरी के साथ में। तो ये 2 इसके लगाने के स्क्रू होते हैं, और ये एक इसके साथ, ये सिर्फ ये गारंटी कार्ड है, बस इसी के साथ इसके साथ यही आता है दोस्तों। अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये बैटरी तो इन्होंने हमको नहीं दी है, लेकिन ये दोस्तों कई काफ़ी दिनों से इनके पास रखी होती है। अब ना जाने ये कब लाए और कब बेची, तो हो सकता है 2 महीने पुरानी भी इनकी दुकान में रखी हो, 4 महीने पुरानी भी इनकी दुकान में रखी हो। तो इसमें ध्यान रखें दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब भी बैटरी लेने जाएं तो आप इस पर तारीख ज़रूर देखें दोस्तों कि ये कब की, जैसे कि ये इस पर लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर जुलाई 2022, तो ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा ये देखें कि ये बैटरी कब बनी हुई है। तो ऐसा कुछ इनका सिस्टम होता है दोस्तों, आप उस हिसाब से इस बैटरी को लें ताकि ज़्यादा पुरानी बैटरी ना हो, तो हमें वो ज़्यादा सर्विस देती है। क्योंकि बैटरी दोस्तों चले या नहीं चले, इसमें एसिड डलने के बाद इसकी लाइफ टाइम चालू हो जाता है। तो यही कोशिश करें कि भाई हमारी बैटरी जब हम लेने जाएं तो इसकी डेट वाइज ज़रूर देखें कि ये कब बनी है और कब की बनी हुई है। ये नहीं हो कि दोस्तों ये साल भर पहले की बनी हो और अभी हम परचेज कर रहे हैं, तो इससे हमें नुकसान होता है दोस्तों। ये इससे क्या है कि दोस्तों ये बैटरी की लाइफ कम होती है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें। अब इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये पूरी चार्ज है या नहीं है। तो ये मल्टीमीटर से मैं इसको देख लेता हूँ। इसको ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने 20 वोल्ट्स पे इसको एरो को कर दिया है मल्टीमीटर के, और ये डीसी वोल्टेज बताता है। अगर हम यहाँ पर इस साइड करेंगे तो ये इस पॉइंट पे लाएंगे तो ये डीसी वोल्टेज हमारे को यहाँ पर शो कर देगा। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं दोस्तों कि बैटरी हमारी फुल चार्ज है या नहीं है, कहीं हमारे को उसने ये बैटरी डाउन तो नहीं दे दी, तो ये कंफर्म करना भी ज़रूरी है। तो हम इस प्रकार मल्टीमीटर से दोस्तों ये देखिए, ये हमने, ये इसका माइनस पॉइंट है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका माइनस पॉइंट है। तो इस माइनस पे ये ब्लैक वाला के लगाएंगे, और ये यहाँ पर ये इसका देखिए, ये जो है ना,
ये इसका प्लस पॉइंट होता है। तो इस पर ये एक 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 लीड इस पर लगाएंगे और एक लीड प्लस पे लगाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये जब हम लगाते हैं तो ये 13 वोल्ट बता रहा है, यानी कि ये बैटरी हमारी फुल चार्ज है दोस्तों, इसमें डाउन की कोई समस्या नहीं है और ये पूरी चार्जेबल चार्ज हुई हुई बैटरी है। तो ये इतने ही वोल्ट हमको आने चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने पहले जो वीडियो है मेरा अंदर, तो एक्टिवा जब चार्ज नहीं, बैटरी स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, या उसमें वायरिंग की दिक्कत है या कुछ भी है, तो मैंने उसमें मेरे चैनल में एक वीडियो डाल रखा है दोस्तों। तो अगर आपको आपको कोई शिकायत है स्टार्टिंग की या कुछ है, तो आप प्लीज़ उस मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि भैया उस बैटरी चेक करने पर कितने वोल्टेज आते हैं, कितने नहीं आते हैं, क्या वायरिंग में दिक्कत है या क्या है, तो वायरिंग हम कैसे चेक करते हैं, क्या नहीं है। तो मैंने उस वीडियो में सब कुछ आपको जानकारी दे रखी है, तो उस प्रकार से आप ये जानकारी ले सकते हैं और उस वीडियो को देखकर आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये 13.10 हमको बता रही है, यानी कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है और ये हमारी बाइक एक्टिवा में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी जानकारी मिली होगी कि आपकी बैटरी एक्टिवा की कितने की आती है और कितने साल की गारंटी आती है, क्या होता है, कि पूरा मैंने सिस्टम आपको बता दिया है। तो आप भी इस तरीके से जाकर अपनी बैटरी खरीद सकते हैं बाज़ार में जाकर, और आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी कि ये भाई बैटरी कितने की आती है और कितने की नहीं आती है और क्या होता है, कौन सी कंपनी की है, कितने की है, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इसको हम अपनी एक्टिवा में इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। अब इंस्टॉल कैसे करते हैं ये दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इस मैं अभी इतना लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं, ताकि आप लोगों को देखने में अपना इतना टाइम नहीं देना पड़े, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉल करके मैं आपको बताऊँगा, और एक नए वीडियो उसमें देख लेना आप दोस्तों कि हमको कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे क्या करना है, तो मैं सब उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देख लूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो आप मेरे चैनल को वॉच करते रहें। थैंक यू वेरी मच।